हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ईवे बिल में जो गवर्नमेंट ने पहले एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था ब्लॉक अनब्लॉक का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2 महीने के GSTR-3B आप कंटिन्यू फाइल अप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आपका ईवे बिल सिस्टम यानी कि जो ईवे बिल माल परिवहन के लिए जो आप बनाते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब आप कोई भी मटेरियल विदाउट ईवे बिल भेज नहीं सकते एज़ पर रूल्स। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो अभी जो उसकी ड्यू डेट आ गई थी 12th November 2019, ये कैसे वर्किंग करेगा अगर आपका ईवे बिल सिस्टम ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। अगर आपने GSTR-3B फाइल कर दिया उसके बाद उसको पोर्टल पे जाके कैसे अनब्लॉक करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और द टैक्स मित्रा चैनल लगातार टैक्स रिलेटेड और GST रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, द ईवे बिल सिस्टम विल हैव अ न्यू फीचर्स ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग। जो गवर्नमेंट ने एक नया फीचर अपलोड किया था टैक्स पेयर, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ से ये रूल एप्लीकेबल होने जा रहा है दोस्तों। दैट इज़ द GST टैक्स पेयर हैज़ नॉट फाइल GSTR-3B फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इन GST कॉमन पोर्टल। अगर 2 महीने का वो GSTR-3B फाइल नहीं करता देन GSTIN विल ब्लॉक द जनरेशन ऑफ ईवे बिल आइदर हैज कंसाइनर और कंसाइनी, दोनों में से किसी का भी ये ब्लॉक कर सकता है जो भी उसके लिए लायबल है। तो गवर्नमेंट ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। नाउ दिस मंथ यानी कि इस महीने से ये रूल्स एप्लीकेबल होने जा रहा है। द टैक्स पेयर विल बी अलर्टेड विद अ कॉशन मैनेज वाइल जनरेटिंग द ईवे बिल इन केस रिटर्न 3B फॉर द पास्ट 2 मंथ्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी GSTIN हैज नॉट फाइल्ड, हाउएवर द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड सच GSTIN विल बी ब्लॉक। दोस्तों, ये अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट के ने जो डेट दी थी उसकी ड्यू डेट यहाँ पर आ गई है तो इस मंथ से ये एप्लीकेबल है रूल्स। तो यहाँ पर इस केस में आपकी जो ITC अगर GSTR-3B आपने फाइल नहीं किया तो आपको ईवे बिल जनरेट करने में दिक्कत हो जाएगी। ऑन फाइलिंग ऑफ द GSTR-3B इन द GST कॉमन पोर्टल, अगर आपने GSTR-3B 2 महीने का फाइल नहीं किया था लेकिन आप जब भी फाइल करोगे तो उसके बाद GSTIN विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड अनब्लॉक बटन, यहाँ पर अनब्लॉक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ईवे बिल सिस्टम एंड द टैक्स पेयर कैन कंटिन्यू विद ईवे बिल जनरेशन विदाउट एनी कॉशन मैसेज। तो विदाउट कोई प्रॉब्लम वो उसको ईवे बिल जनरेट कर पाएगा उसके बाद अगर वो फाइल कर देता है। However, if the status not updated in ईवे बिल सिस्टम then the taxpayer can do by it। अगर स्टेटस आपने GSTR-3B फाइल कर दिया फिर भी स्टेटस अगर ईवे बिल सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ तो उसका आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जाना है ईवे बिल पोर्टल पर जाना है, वहाँ क्लिक ऑप्शन सर्च, उसके वहाँ आपको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अपडेट ब्लॉक स्टेटस जो आएगा आपके लिए, वहाँ पर एंटर द GST नंबर आपको एंटर करना है आपका, फॉलो बाय जो एक क्विज कैप्चर पूछेगा उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे भी आप गो पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक नीचे एरो मैंने दिखाया कि अपडेट अनब्लॉक स्टेटस फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप वहाँ पर क्लिक कर गए हैज शोन द अबो फिगर द GSTIN एंड ब्लॉक स्टेटस विल बी डिस्प्लेड, यहाँ पर आपको ये स्टेटस आपको दिख रहा है कि आपका स्टेटस अभी ब्लॉक है इस GST नंबर से। तो आप जैसे ही उसको देखोगे तो यहाँ पर नीचे जो एरो दिया है मैंने 10 यूज़र मस्ट नाउ क्लिक ऑन द बटन, जो नीचे एरो दिया है अपडेट अनब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द GST कॉमन पोर्टल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अपडेट अनब्लॉक स्टेटस फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही विल इफेक्ट द स्टेटस ऑफ फाइलिंग फ्रॉम द GST कॉमन पोर्टल एंड इट फाइल्ड द स्टेटस इन ईवे बिल सिस्टम विल बी सब्सिक्वेंट गेट अपडेटेड। जस्ट ये आपका GST-3B फाइल हो गया होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द टैक्स मित्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।